माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत महापुराण में जो भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हम और ऐसे भगवान के परम भगवतीय चरित्र मान भक्त कुंभन दास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। इससे हमारे अंदर भी भक्ति का जागरण होगा। कुंभन दास जी भगवान के परम भक्त थे, लेकिन भक्त जो होते हैं बहुत सहज सरल और अपनी अदा में जीने वाले होते हैं। जब कोई भक्त भक्ति करता है तो वो भगवान के सिवाय भगवान से कुछ नहीं चाहता, लेकिन जब कोई इस मार्ग पर बढ़ता है, आध्यात्मिकता के पथ पर चलता है, प्रभु की साधना करता है, भजन करता है, तो ऐश्वर्य सिद्धियां, जो अष्ट सिद्धियां 9 निधि कही गई हैं, वो भी भक्त के पास आना प्रारंभ होती है। इसे परीक्षा होती है भक्त की। जो इस संसार के जो भौतिक ऐश्वर्य है या लोकप्रियता है, ये हर व्यक्ति की बहुत मतलब एक कामना होती है, एक लालसा होती है कि संसार में मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मुझे पहचाने। लेकिन भक्त जो होता है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि हमें कोई ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा धन, ऐसी ख्याति, ऐसी लोकप्रियता प्राप्त हो जिससे मेरे भगवान मुझसे दूर चले जाए। तो ऐसे ही भगवान के परम भक्त कुंभन दास जी का पावन चरित्र है, जिसे आज हम श्रवण करेंगे और अपने आप को भी उस पथ के पथिक बनाने का प्रयास करेंगे। तो जब भक्तों का पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, इससे हमारा अंतःकरण पवित्र पावन होता ही है, लेकिन भगवान के चरणों में श्रद्धा भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा दिखते हैं, जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं, वैसा हमारा स्वभाव भी बनता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संगति बहुत मायने रखती है, और आप किस एनवायरमेंट में है, कैसे वातावरण में है, कैसी संगति में है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे ही भक्त कुंभन दास जी थे। इनके पास एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी पधारे, जो भगवान के परम भागवत। भक्त के जीवन में कोई न कोई गुरु किसी न किसी रूप में जरूर प्रभु भेज ही देते हैं। जैसे इससे भी बाल भक्त हुए भगवान के, ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए, इनके जीवन में भगवान की कृपा से गुरु का आगमन हुआ। और वो गुरु थे उनके नारद जी। तो नारद जी जिसे प्राप्त हुए, उसे भगवान की प्राप्ति जरूर हुई। तो ऐसे ही भगवान जब अपने भक्त का कल्याण करना चाहते हैं, तो किसी न किसी रूप में प्रभु स्वयं हमारे पास, चाहे वो गुरु हो, किसी भी रूप में हमारे सामने आते हैं। कोई अच्छी पुस्तक मिल सकती है, भगवान किस रास्ते से हमारा उद्धार करेंगे ये हमें पता नहीं होता। कई बार जो वस्तु में बहुत प्रिय लगती है वो हमसे बहुत दूर हो जाती है, तब हमें लगता है कि भगवान ने क्या किया। वास्तव में प्रभु वही करते हैं जिसमें हमारा हित हो, हमारा कल्याण हो। लेकिन उस समय हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, जिसमें हमारा हित है वो हमें नहीं पता। जैसे कोई छोटा सा बालक होता है, माँ जानती है कि बच्चे का कल्याण किसमें है, इसको दूध पिलाना चाहिए, कब पिलाना चाहिए, कितने समय क्या खिलाना चाहिए, ये माँ को अच्छे से पता है कि बच्चे को क्या देना है तब उसका पोषण होगा। तो ऐसे ही भगवान हमारी माता पिता, भाई बंधु सखा सब कुछ है। तो हर रिश्ता प्रभु से, प्रभु के नाते है। तो जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो प्रभु उसकी बहुत परीक्षा लेते हैं। अब उसमें जो खरा उतरता है वो उस पथ का पथिक बन जाता है और उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने में समर्थ होता है जिसके लिए मनुष्य रूपी शरीर उसको प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही भक्त कुंभन दास जी थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी का इनके जीवन में आगमन हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये प्रभु कृपा है, किसी गुरु का घर में आना, किसी संत का किसी घर में आना, ये शुभ संकेत होते हैं। तो ये देख करके कुंभन दास जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो चैतन्य महाप्रभु जी, इतने बड़े संत जो हैं, हमारे घर में पधारे। तो कुंभन दास, उनकी पत्नी, परिवार बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छे से चलता। तो उनकी पत्नी जो भी मतलब गृहस्थ में है, उनकी एक लालसा होती है, बच्चे हो, अच्छा सा मकान हो, धन संपदा भी हो, ताकि कोई कष्ट ना हो। ऐसे ही कुंभन दास जी की पत्नी जो थी, चैतन्य महाप्रभु जी का संसद चल रहा था, उन्होंने पूछा कि आपको जो चाहिए मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु जी थे, उन्होंने कहा कि आपको एक नहीं सात पुत्र की प्राप्ति होगी। जब ये मांगा तो कुम्मन दास बड़े दुखी उदास हो गए। तो इतने बड़े महापुरुष हमारे यहाँ पधारे हैं, तो आपसे संसार की चीजें क्यों मांगी, ऐसा कुम्मन दास जी ने अपनी पत्नी से कहा। तो बोली, मुझे जो चाहिए था मैंने मांग लिया, अब आपको जो मां चाहिए वो आप मांग लीजिए। कुम्मन दास बड़े दुखी हो गए कि मेरी पत्नी ने मांगा भी तो क्या, संसार की लौकिक वस्तु है जो आज है कल छूट जाएंगे। कुम्मन दास जी भगवान के पास बैठे चैतन्य महाप्रभु जी के, और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भगवान मुझे संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, केवल प्रभु के चरणों की भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। अब हम किस तरह के प्रश्न पूछते हैं या क्या याचना करते हैं संतों से, उसी से पता चल जाता है कि हमारा लेवल क्या है, हम किस स्तर का सोचते हैं, कितने लेवल तक की हमारी उच्च कोटि की चेतना है, इससे संत महापुरुष अंदाजा लगा लेते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी समझ गए कि कुम्मन दास कोई साधारण नहीं, ये भगवान के परम भक्त हैं। जब कोई भक्त गुरु के सानिध्य में आता है तो उसका कल्याण निश्चित है। चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने एक ही प्रार्थना की कि मुझे भगवान के चरणों की सेवा प्रदान करें और वो मार्ग प्रदान कीजिए जिस पर चल के मैं भगवान के अधिक से अधिक करीब पहुंच सकूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप भगवान की जो भी आपका कर्तव्य कर्म है करें, लेकिन प्रभु नाम का स्मरण और चिंतन सदा करते रहना, इससे आपकी जो भक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती रही। जब ये शब्द सुने कुम्मन दास जी प्रसन्नता से झूम उठे और भगवान के नाम का संकीर्तन करते, प्रभु का ध्यान करते, कभी रोते कभी कुछ करते। भक्त के लक्षण अलग ही होते हैं, वो हर काम करेगा लेकिन मौन होकर के, क्योंकि संसार के लिए उसके पास समय नहीं होता। तो ऐसे ही कुम्मन दास गृहस्थ में तो थे, लेकिन उनके पास केवल प्रभु के चिंतन और अपना जो भी कर्म है उसके सिवाय कोई सोचना नहीं, कोई विचार नहीं करना। कुम्मन दास बड़े प्रसन्न होकर भगवान का संकीर्तन करते, प्रभु की याचना करते, आराधना करते। ये सब देख करके उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि इनके तो वैराग्य हुआ, पति देव तो चले जाएंगे, लेकिन भगवान जो है अपने भक्त की हर कदम कदम पे रक्षा करते हैं। कुम्मन दास की भक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी, भगवान के दर्शन भी धीरे धीरे होने लगे। अंतःकरण में सबसे पहले अंत चेतना में भगवान का दर्शन होता है। जब अंदर उन्होंने भगवान का दर्शन करने लगे तो उनकी भक्ति और बढ़ती गई। गुरु के सानिध्य में आकर जब कोई भक्त साधना करता है तो जो लक्ष्य उसका उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो कुम्मन दास की भक्ति और ज्यादा बढ़ने लगी। ऐसे ही भगवान के लिए श्रृंगार करते, तिलक लगाते, सब करते। थोड़ी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, उनके सात पुत्र हुए। चैतन्य महाप्रभु जी ने जो आशीर्वाद दिया था उनकी पत्नी को, तो उन्हें सात पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन कुम्मन दास जी कहते थे, मेरे 6.5 ही पुत्र हैं। बोले, ऐसे क्यों बोलते हो, आपके तो 7 पुत्र हैं। बोले, एक पुत्र जो है गाय की सेवा करता है, परंतु वो भगवान के नाम का कभी स्मरण नहीं करता, इसलिए मैं उसे आधा पुत्र मानता हूँ। अब भक्त जो है वो 7 पुत्रों को 6.5 पुत्र हैं बोलते, क्यों? क्योंकि कभी वो मंदिर में नहीं गया, कभी भगवान के नाम का जाप नहीं किया। अब भक्त है तो भक्त के या भक्ति ही पैदा हो ऐसा भी नहीं है। जैसा जिसके कर्माशय है, जैसा प्रारब्ध है, वैसा ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कुम्मन दास जी के 7 पुत्र हुए। कुम्मन दास जी भगवान की खूब आराधना करते, जो कर्म है वो करते। भगवान का जब वो तिलक लगाते तो पानी जब ठहर जाता है, शीतल पानी, स्वच्छ जल जो होता है, उसमें हमारी छवि दिखाई देने लगती है। कुम्मन दास जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन भक्त जो होता है आर्थिक स्थिति कैसी है ये मायने नहीं रखता। वो अंदर से इतना मालामाल होता है कि संसार के भौतिक संसाधन उसके पास कितने हैं इस चीज की परवाह वो नहीं करता। ऐसे ही कुम्मन दास जी थे, एक दिन जल में बैठे तिलक लगा रहे। अब आसपास के लोग तो देखते हैं कि इनकी गरीबी जो स्थिति है बहुत ज्यादा है। तो एक राजा मानसे थे इनके राज्य में। उस समय ये सूचना उन्हें प्राप्त हुई कि भगवान के एक परम भक्त हैं कुम्मन दास। तो जब भगवान का कोई भक्त साधना करता है, लोगों की भीड़ स्वाभाविक है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो राजा तक इनका नाम पहुंच गया। राजा ने सोचा कि मैं कुम्मन दास जी के दर्शन करूंगा और स्वयं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। जब मान से राजा मिलने के लिए आए तो कुम्मन दास जी बैठे जल का पात्र भर के सामने, उसमें देख करके तिलक कर रहे थे। ये देख के राजा को बड़ा दुख लगा कि मेरे राज्य में रहते हुए भगवान का एक परम भक्त और इतने कष्ट पा रहा है।
उनके मन में आया मैं इनकी कुछ सेवा याचना कर सकूं, तो गए, बहुत सारा धन लिया और एक रतन जड़ित उन्होंने सुंदर सा एक आईना भी लिया कि वो तिलक पानी में लगा के देख कर रहे हैं, तो मैंने सुंदर सा आईना दूंगा। जब लेकर के गए, कुंभन दास जी शांत बैठे अपना तिलक लगा के भगवान का जाप करते हैं। कुंभन दास जी को जब राजा मान से वो आईना देने के लिए आए, तो कुंभन दास जी अपनी मस्ती में मस्त रहते, कौन उनसे मिलने आ रहा है, कौन है राजा, कौन है क्या, वो अपनी धुन में बैठे हुए थे। उनका चित्त भगवान में लगा हुआ था, उन्हें नहीं पता कि उनके सामने कौन राजा खड़ा है, कौन क्या, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो अपनी धुन में है, भगवान से बातें कर रहे हैं। जब उन्हें आकर कहा कि आपके दरबार पे राजा जी आए हैं, मान से आपसे भेंट करना चाहते हैं, तो बोले आयो थो और चलो गए। अब ये शब्द बार बार बोले, बोले क्या बोली जा रहे हैं। अब उनका कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ था, भगवान साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनसे वार्तालाप भी करते हैं, ऐसे ही कुंभन जी के दास के साथ होता था, भगवान बातें करते दर्शन देते, तो जो भी उनके सामने आता उसको लगता है कि कुंभन दास जी हमें देख रहे हैं। वास्तव में उनका चित्त भगवान में लगा और भगवान साक्षात जो अपनी लीलाएं करते हैं वो भक्तों को दर्शन भी देते हैं, तो कुंभन दास जी के साथ भी ऐसा ही था। राजा मान से बहुत देर तक खड़े रहे, देखते रहे उनका सारा काम, ये क्या चल रहा है। जब उनकी कोई भतीजी आई, उनको हिलाया कि आपसे मिलने के लिए राजा खड़े हुए हैं, तो बोले बताइए क्या काम है। बोले हम आपको एक आईना भेंट देना चाहते हैं, बहुत कीमती है, आप इसमें दे करके तिलक करना। कुंभन दास जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले इस आईने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरा जीवन जैसा भी है बहुत आनंदमय है, मुझे संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। कुंभन दास तो कुंभन दास, अब राजा मान से शांत होके खड़े हो गए, बोले नहीं हम आपकी कुछ सेवा तो करना चाहते हैं। बोले ये आईना आपके लिए है, आप इसे रखिए। कुंभन दास जी ने कहा अगर ये आप ये देना ही चाहते हो तो लाडली जी को जाकर के दे दो, किशोरी जी को जाकर के दे दो, श्री राधा रानी को अर्पित कर दो, ताकि वो उनके काम आ जाएगा। अब राजा मान से बड़ा चिंतित कि कहाँ राधा रानी को ढूंढूं मैं, मुझे कहाँ मिलेगी राधा रानी जिनको मैं आईना जाके दूं। तो मान से बोले हम तो आपको जानते हैं, आप मेरी हमारी बहन को स्वीकार करो। कुंभन दास जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले हमें आपकी बहन स्वीकार नहीं, आप जा सकते हैं। अब राजा मान से दुखी हो गए, बोले कोई सेवा तो प्रदान कीजिए, आए तो हम कुछ तो सेवा करेंगे। कुंभन दास ने हाथ जोड़े और बोले अगर आप सेवा ही करना चाहते हैं तो एक काम कर दो। बोले बताइए। बोले मेरे द्वार पे आज तो आप आ गए, अब दोबारा कभी मत आना, संतों की अपनी अदा होती है, भक्तों को कोई संसार की दौलत या खजाना खरीद नहीं सकता, क्योंकि जिसके साथ भगवान है वो गरीब कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही कुंभन दास जी थे। अब कुंभन दास वो चले गए राजा मान से इतना कह करके, अपनी मस्ती में फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए। थोड़ी देर में भगवान आए और उनकी गोद में आकर के बैठ गए और कुंभन दास जी से बोले कि आपके लिए मैंने भेंट भेजी थी नहीं सुंदर, आपने क्यों स्वीकार नहीं की। बोले अगर मैं भेंट ले लेता तो आप मेरी गोद में आके बैठते। बोलते नहीं, जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैं आपकी गोद में क्यों आऊंगा। तो कुंभन दास जी ने बोले कि मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहिए जिससे आपका सानिध्य मुझसे छीन जाए। जो भक्त होता है भगवान के अलावा दुनिया का कोई ऐश्वर्य चाहता ही। ऐसे ही कुंभन दास जी थे, अपनी में मस्ती में लीन होके प्रभु का ध्यान करते, भजन करते। धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है तो वो फिर पास आने लगते हैं। प्रारंभ में तो विरोध होगा, भक्तों का खूब होता है, जैसे मीराबाई का भी खूब हुआ। भक्त प्रहलाद जी थे, उनके स्वयं के पिता ने, अपने परिवार ने सबसे ज्यादा बाधा डाली। तो जब भगवान के पथ पे आप बढ़ रहे हैं तो कष्ट जरूर आएंगे, थोड़ी सी कठिनाइयां बाधा हमारे सामने आती हैं, उसे देखकर जब हम घबरा जाते हैं तो हमारा जो लक्ष्य बहुत पीछे छूट जाता है। भक्त वास्तव में कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, जो संकल्प लिया है वो उससे कभी पीछे नहीं हटता। तो ऐसे ही भक्त कुंभन दास जी थे, अपने में मस्ती में मगन होकर भगवान का भजन करते और जब भगवान का ध्यान करते तो साक्षात कन्हैया उनके सामने बैठ करके वार्तालाप करते, कभी प्रभु के साथ हंसते, कभी खेलते, कभी रोते। ऐसे कुंभन दास जी का जीवन चल रहा था। ऐसे ही जब राजा जो अकबर था महाराज, उसको पता चला कि कुंभन दास कोई भगवान के परम भक्त हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि भक्त जब भजन गाता है तो ना तो उसे राग आता है, कुछ भी नहीं आता, वो केवल भाव से गाता है, अनुराग से गाता है, राग से नहीं।
तो जब अकबर को इनका पता चला तो उसने बुलावा भेजा। बहुत सारे रथ पालकियां भेजे गए कि कुम्मन दास जी को इज्जत के साथ बिठाकर आदर के साथ सम्मान के साथ लाया जाए। कुम्मन दास तो कुम्मन दास, कहां रथों को स्वीकार करने वाले थे। बोले, राजा अकबर ने बुलाया है तो मैं आऊंगा जरूर बादशाह के पास। तो अकबर ने जब बुलावा भेजा, पालकी भेजी, बहुत सारे रथों के साथ भेजा, सम्मान के साथ उन्हें दरबार में लाया जाए। अब कुम्मन दास ये सब देख रहे थे, बोले बादशाह ने बुलाया तो जाऊंगा तो जरूर, लेकिन उसके नाते नहीं, मैं अपने प्रभु का सेवक हूँ तो उसके नाते मुझे जो भी सेवा मिलेगी मैं जरूर करूँगा। इस भाव से कुम्मन दास जी ने प्रस्ताव तो स्वीकार किया, लेकिन पालकी या रथ या घोड़े में बैठ के नहीं जाना। वो पैदल गए और वो भी पादुका नहीं उनके चरणों में, नंगे पैर चले। उस समय अकबर जो था सीकरी में रहता था दिल्ली के पास। तो जब ही अपने झोपड़े से निकले और चल पड़े अकबर के दरबार में, पहुंच जाते हैं और भगवान का भजन उन्होंने गाना प्रारंभ किया दरबार में जाकर के। अकबर को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं और किस भाव से बोल रहे हैं। तो पूरा भजन सुना। जब भजन खत्म हुआ तब बीरबल से पूछा कि ये जो कुम्मन दास जी हैं, उन्होंने क्या भजन में सुनाया, उसका मतलब क्या है। अब बीरबल तो सारी बातें समझ चुके थे। कुम्मन दास गए तो जरूर, लेकिन बादशाह को वो सब सुना दिया जिसके लिए सुनाने गए थे। एक होता है सुनाना प्यार पूर्वक, दूसरा होता है सुनाना कुछ व्यंग भाव में सुनाना। उसी भाव को उन्होंने अपने भजन के माध्यम से बादशाह को सब सुना दिया। उन्हें तरस आता था बादशाह के उस पर देख करके। वो बोले कि आज तू बादशाह बन के बैठा है, कब इस धराधाम पे नीचे आ जाएगा यहाँ से उतर के, किसी को नहीं पता। अब भक्त होता है उसके तो पहले का बहुत कुछ देख लेता है। तो अकबर को देख कर उन्हें बड़ा दया आई। तो ऐसे ही करके जब उन्होंने कहा, बीरबल से पूछा, तो बीरबल समझ गया था इसका अर्थ क्या है। लेकिन बादशाह को अगर बताता है तो पूरी जनता के सामने उसकी बदनामी होगी। तो बोले कि मैं बादशाह को कान में बता दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अकबर फिर से बोला कि बीरबल, इन्होंने जो कुछ भी गाया है उसका अर्थ जोर से बताया जाए ताकि सब लोग सुन लें। अब तो बीरबल शांत बैठ गए कि क्या करें। अगर इन्होंने जो गाया है, जो कहा है कि जिसका मुख देखत डर लागे, मतलब उसे बादशाह पे दया आ रही थी या दया लग रही थी या डर लग रहा था कि इसका क्या होगा। तो जब बताया उसने इसका अर्थ, तो बादशाह बोले कि आपने जो कुछ भी कहा है वो आपका सत्य वचन है। इससे पता ये चलता है कि आप वास्तव में भगवान के परम भक्त हैं। तो कुम्मन दास जी को कुछ फर्क नहीं हुआ। बादशाह ने कहा कि इन्हें इज्जत के साथ जो भी है, एक संत का, एक भगवान के भक्त का जो सम्मान होना चाहिए, उसके तहत इन्हें सब कुछ दे करके विदा कीजिए। लेकिन कुम्मन दास जो एक आईना स्वीकार नहीं किए राजा मानसिंह का, वो अकबर बादशाह का इतना जो महल में जो कुछ भी था उसे कैसे स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि भक्त भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहता। ऐसे ही यहाँ पर हुआ। तो कुम्मन दास जी से भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मोय न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, मोह से तुमको बहुत है, तुमसा मोह को नहीं। ये शब्द होते एक भक्त के ही कह सकता है। तो भगवान तो बात करते थे साक्षात कुम्मन दास जी से बैठ करके। कुम्मन दास ने कहा कि भगवान, मुझे इतना ही देना कि मैं आपको ना भूल जाऊं, और ऐसी ही संगति देना कि आपका वियोग मुझसे कभी ना हो। ये शब्द जब सुने बादशाह अकबर ने, तो वो शांत होकर के बैठ गया, क्योंकि संतों के आगे चाहे कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, जब भगवान अपने भक्त के आगे नतमस्तक हैं तो बादशाह की तो औकात ही क्या। तो कुम्मन दास जी जब अकबर ने कुछ देना चाहा तो उसको भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि भक्त केवल भगवान का दर्शन, उसकी सेवा, उसका संकीर्त करने में ही आनंद लेता है। तो कुम्मन दास जी वहाँ से हाथ जोड़ के अपनी झोपड़ी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जब वो घर में आए, साधना भजन वही सब उनका चलता, संकीर्तन करते, बहुत सारे लोगों का आगमन होता, सबको भगवान के नाम का रस स्वादन कराते, खुद भी आनंदित होते, दूसरों को भी आनंद कराते। ऐसे ही बड़े आनंद के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। संसारी को देख के लगेगा कि जो, जैसे सुदामा की कथा प्रसिद्ध है, सभी ने सुनी है, वो भी गरीब थे, आर्थिक दृष्टि से हो सकते हैं, संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन भगवान का जो भक्त है वास्तव में गरीब नहीं होता। जिसके पास साक्षात कन्हैया आगे बैठ के बात करें
वो गरीब कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही कुंभन दास जी भगवान का भजन करते काफी दिन बीते। एक दिन ऐसी घटना घटी कि उनके पुत्र का निधन हो गया। जब ये पुत्र के निधन की बात कुंभन दास जी को पता लगी तो वो मूर्छित होकर वहीं गिर गए। उनके परिवार में कुल 17 लोग थे, सभी मिलकर के पूरा परिवार ज्वाइंट फैमिली जिसे कहते हैं वो रहते थे। जब पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो कुंभन दास बेहोश हो गए, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब आसपास के जो लोग हैं उन्हें तो यही लगेगा कि कुंभन दास बड़े भगवान के भक्त थे, पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो मूर्छित होकर के गिर गए। अब वास्तव में देखा जाए हकीकत तो जो भक्त है वही जान सकता है और भगवान जान सकते हैं। संसार वाले लोग तो हजारों टिप्पणियां करेंगे, आपसे अच्छा काम करो तो भी आपकी निंदा होगी, गलत काम तो फिर है ही गलत। ऐसे ही कुंभन दास जी के ऊपर लोग उंगलियां उठाते कि इनको इतना घमंड आ गया, बादशाह मिलने के लिए आए चाहे राजा मानसिंह मिलने के लिए आए, सबकी संपदा को ठुकरा दिया, ऐसी भी क्या भक्ति, लोग टिप्पणी करते। लेकिन कुंभन दास के ऊपर कुछ फर्क न पड़ता, वो अपनी मस्ती में लीन रहते। पुत्र की जब मृत्यु का समाचार सुन के मूर्छित पड़े तो सारे लोग तरह तरह की टिप्पणी करने लगे, लोगों का काम ही है अच्छा करो तो भी सुनना है, बुरा तो है ही। ऐसे कुंभन दास, बहुत सारे संतगण भी आ गए कि कुंभन दास के पुत्र का निधन हो गया है। चैतन्य महाप्रभु जी भी पधारे, उनके जो गुरु थे तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जी बता दें लोगों को इनकी मूर्छा का कारण पुत्र का वियोग या पुत्र का दुख नहीं है, उनकी मूर्छा का एक ही कारण है। भक्त को कोई दुख संकट जीवन में आता है तो जब उसकी साधना में बाधा आए या भगवत चिंतन में कोई व्यवधान डाले वो भक्त का सबसे बड़ा संकट होता है। ऐसे ही कुंभन दास जी के जीवन में संकट आ गया, बड़े दुखी, बड़े हताश, अब लोग क्या जाने अंदर की वार्ता क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि कुंभन दास जी की जो वियोग या जो मूर्छा है इसका कारण उनके पुत्र की मृत्यु नहीं है, उनको एक ही दुख है कि पुत्र की मृत्यु हो गई तो सूतक लग जाएगा। सूतक लगने से ना तो घर में दीप जल सकता है, ना यज्ञ हो सकता है और ना ही भगवान का संकीर्तन हो सकता है, तो प्रभु का दर्शन कैसे होगा। ये सोच करके कुंभन दास जी बेहोश हुए थे। अब एक भक्त भगवान का दीदार मेरे से एक पल के लिए भी अगर छूटता है तो बड़ा पीड़ादायक है उसके लिए। तो कुंभन दास इसीलिए मूर्छित हुए कि अब तो मुझे भगवान का दर्शन भी नहीं होगा और ना प्रभु के साथ में बैठ के वार्ता कर सकता हूँ। जब तक सूतक रहेगा तब तक भगवान आएंगे नहीं। तो प्रभु अपने भक्तों का कदम कदम पे सहारा देते हैं। ऐसे ही कुंभन दास जी जब संकट की घड़ी में है तो भगवान आकर के दूसरे लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा, भगवान के दर्शन केवल भक्त को ही होते हैं। कुंभन दास जी ने देखा कि कन्हैया उनके पास आके बैठे हैं, वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरी मूर्छा का कारण क्या है वो आप जानते हैं। तो बोले मैं समझ गया कुंभन दास, आप चिंता न करो, कोई सूतक नहीं लगेगा, आपको दर्शन भी मिलेंगे, भगवान का भजन संकीर्तन भी होगा, आप आनंद से प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। जब कुंभन दास जी को प्रभु ने ऐसा कहा तो कुंभन दास जी उठ करके बैठ गए। अब भक्त की पीड़ा भगवान का वियोग ही हो सकता है, संसार का नहीं। अब वो गृहस्थ जीवन में तो थे, जैसा प्रारब्ध वो भोगना तो पड़ता ही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कोई सूतक नहीं लगेगा, आप आनंद के साथ अपना जो भी कर्म है वो कीजिए, आप भगवान का दर्शन नहीं होगा इसकी चिंता छोड़ो। जब गुरु मार्ग दिखाता है तो भगवान रास्ता दिखाई देते हैं। जैसे रामायण में कहा है कि गुरु का निंदक जो है वो महात्यारा कहा गया है, गुरु निंदक को भगवान भी माफ नहीं करते। इसलिए प्रभु के पथ पे आप चल रहे हैं, भगवान को पाना चाहते हैं तो मनमर्जी करके या गुरु के विमुख होकर आप लक्ष्य की कभी प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान को पाना है तो गुरु के चरणों में रहकर गुरु के चरणों में श्रद्धा या भक्ति भाव से ही पाया जा सकता है। ऐसे ही कुंभन दास जी पुत्र का संस्कार किया, जो उनका कर्तव्य कर्म था उसे कर दिया। अब पत्नी तो बेचारी गृहस्थी थी, उसे उतना वैराग्य ना, ना भगवान के दर्शन, लेकिन एक भक्त की पत्नी है तो भगवान सहारा देते हैं। तो पुत्र का जब देहावसन हो गया, उसका दाह संस्कार सब कर दिया, कुंभन दास जी नहा धोकर आए, आराम से बैठ गए, फिर से भगवान के ध्यान में ली। अब लोग तो टिप्पणी करना शुरू कि अभी अभी पुत्र का निधन हुआ है और इन्हें भगवान के चिंतन की पड़ी है। भक्त के केवल पीड़ा है तो यही कि मेरे प्रभु का भजन नहीं छूटना चाहिए,
जैसे मीराबाई का देखो, उनको भी गृहस्थ में डाला गया, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे एक ही भय था कि मेरे भगवान का भजन मुझसे ना छूटे। तो ऐसे ही कुम्मन दास की पीड़ा थी। तो कुम्मन दास जी ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे शब्द बोले लोगों को और अपने भजन में ले। तो भगवान की भक्ति जब आप करते हो, कितनी बड़ी कठिनाई सामने क्यों ना आ जाए, भगवान हर कदम कदम पे आपका सहारा देते हैं। तो कुम्मन दास जी का पावन चरित्र सुन के हमारे अंदर भी भक्ति भाव जागे। अगले अंक में हम फिर से कथा श्रवण करेंगे। इसी के साथ में यहीं को विराम देती हूँ कथा को। ओम शांति शांति शांति, ओम श्री परमात्मने नमः।